जनपद में बहने वाली राप्ती, रोहिन और घाघरा नदियों के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से 1.72 मीटर ऊपर बह रही है। नदियों के घटते जलस्तर से जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर में कमी हुई है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल जनपद में अभी भी 391 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं तथा इन क्षेत्रों में 506 नावें लगाई गई हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीन की गोलियों का वितरण के साथ लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। क्षेत्र में पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध करा दिया गया है। बाढ़ शिविरों में रहने वाले लोगों को भोजन के साथ राशन किट का भी वितरण किया जा रहा है। तहसील स्तर पर कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन भी दिया जा रहा है। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद में बाढ़ और बंद हो गई। जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों उतार पर हैं। घाघरा लगभग 35 सेंटीमीटर अब डेंजर लाइन से नीचे आ गई है। राप्ती अभी भी डेंजर लाइन से ऊपर है, परंतु जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, जो राप्ती का फैलाव है या आमी का फैलाव है, गुर्रा का फैलाव है, वो फैलाव भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी तक हमारे जो 322 गांव प्रभावित थे, उनकी संख्या भी तेज़ी से कम होती जा रही है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगले एक सप्ताह में गांवों के आसपास जो पानी एकत्र है, वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएगा। सर, जो बाढ़ पीड़ित गाँव है, उनके लिए क्या व्यवस्था? बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक 40,000 से ऊपर राहत किट का वितरण किया गया है, भूसे का वितरण किया जा रहा है, दवाएं गांव-गांव तक जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, मिट्टी के तेल का भी वितरण किया जा रहा है। हमारी पूरी फोर्स, राजस्व, पुलिस, अन्य विभाग सभी क्षेत्र में हैं। हमारे माननीय जन प्रतिनिधिगण भी क्षेत्र में हैं और उनके द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है।